तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब डिफ़ॉल्ट अपलोड्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सीरीज़ बनाते हैं या हम ये चाहते हैं कि हमारा अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन जिसमें ईमेल्स होते हैं, सोशल लिंक्स होती हैं या और कुछ कोटेशन है या और बहुत सारी चीज़ें हम लिखना चाहते हैं जो हमेशा रहे, बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें चेंज करना हो, चाहे टाइटल में हो चाहे डिस्क्रिप्शन में हो, वो हम चेंज कर दें। इस डिफ़ॉल्ट सिस्टम के लिए हम कहाँ जाएंगे मैं आपको बता दे रहे हैं। कैसे हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए YouTube स्टूडियो है, YouTube स्टूडियो पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप टाइटल को क्या रखना चाहते हो, वो टाइटल अगर आप हटा देना चाहते हो या आप कोई सीरीज़ बना रहे हो ओके YouTube मार्केटिंग से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, तो आप थोड़ा बहुत लिख दो ताकि थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़े उसके बाद ना चेंज। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना चाहते हो वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दोगे ताकि आपकी हमेशा के लिए हो जाए, उसमें बार बार आपको चेंज करना ना पड़े। यहाँ पर टैग, आप टैग्स लिख दो, जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग है तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग या ये सब चीज़ें, तो आप यहाँ पर लिख दो। उसके बाद जो एड ऑन्स करना होगा वो आप बाद में करोगे ओके। यहाँ पर प्ले लिस्ट विजिबिलिटी में देखिए पब्लिक है, अनलिस्ट है, प्राइवेट है, आप अनलिस्ट रखिए। उसके बाद आप वहाँ जब आप वीडियो डालिएगा इसको एडवांस सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर यूट्यूब लाइसेंस कैटेगरी नॉन हिंदी क्या रहेगा आपका डिफॉल्ट सिस्टम, या कम्युनिटी टैब अलाउ ऑल कमेंट्स, या आप कमेंट्स यहाँ बंद कर सकते हो ओके। तो ये बेसिक था जो हमने सीखा कि हम डिफॉल्ट सिस्टम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें बार बार सेम चीज़ों को चेंज ना करना। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।